Welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of law of demand. Last class में मैंने आपको theory of demand के बारे में बताया था. Theory of demand क्या है, इसके types क्या है, determinants क्या है. तो आज हम पढ़ेंगे law of demand के बारे में. Law of demand क्या होता है? Law of demand state that other things being equal का क्या मतलब होता है? सिर्फ प्राइस को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, जो मैंने अजम्पशंस में लिखी हुई हैं, दीज आर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स बताया था, इंफीरियर गुड्स के बारे में बताया था, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर पॉपुलेशन, इनमें कोई चेंज नहीं होगा. ऑल दीज थिंग्स विल बी रिमेन सेम. There will be only change in the price. देखिए, यदि price कम हो जाते हैं तो demand बढ़ जाती है, और यदि prices बढ़ जाते हैं तो demand कम हो जाती है. तो law of demand क्या बताता है? Law of demand state that if other things being equal, the demand of a commodity will increase with the decrease in the prices and vice versa. So this is law of demand. लॉ ऑफ डिमांड को वी कैन ऑल्सो शो विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. डिमांड शेड्यूल क्या है? शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं? टेबल. डिमांड शेड्यूल को भी दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स डिमांड ऑफ वन पर्सन इंडिविजुअल. मार्केट मीन्स शेड्यूल ऑफ मार्केट. मार्केट मीन्स मोर देन टू पर्सन, उसको हम क्या मान लेते हैं? दिस इज द मार्केट. तो डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल विच शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज. देखिए, डिफरेंट क्वांटिटीज है ना, 4, 3, 2, 1, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ इंडिविजुअल एट ए गिवन प्राइस. प्राइस कितना है? 1. हमने दिखाना इसमें लॉ ऑफ डिमांड ही है, लेकिन हमने इसमें क्या दिखा देनी है? टेबल. लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था, इफ द प्राइसेस इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज. यदि हम नीचे से देखें, यदि प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड विल इंक्रीज. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये आपने साथ में जरूर लिखना है. तो ये क्या है? टेबल. एक इंडिविजुअल की टेबल को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड ऑफ टू पीपल्स की मैंने दिखाई है, डिमांड ऑफ ए पर्सन और डिमांड ऑफ बी पर्सन. यदि हम इसको प्लस करते हैं तो मार्केट डिमांड मान लेते हैं. इसमें डिमांड जो है हमने दो पर्सन्स की क्यों दिखाई है? क्योंकि यदि हम सारे दिखाएंगे तो ये जो है बहुत लेंथी हो जाएगा. तो हम इसमें क्या करेंगे? सिर्फ दो पर्सन्स की डिमांड को हमने दिखाया है. तो डिमांड, तो आप मार्केट डिमांड शेड्यूल को क्या लिखोगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल विच शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए डिफरेंट पर्सन एट ए गिवन एट ए डिफरेंट प्राइसेस. तो हम देखिए, इसमें प्राइसेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और डिमांड ऑफ ए पीपल कितनी है? 4 क्वांटिटी, 2 पे 3. देखिए, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं? प्राइसेस, मेन हमारा फोकस किस पे है? कि प्राइसेस जो है हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड जो है डिक्रीज हो रही है. ऐसे ही डिमांड जो है डिक्रीज हो रही है, इसमें हमने सेम नहीं लिया. तो डिमांड हो सकता है कि प्राइसेस एक है, बी पर्सन जो है ही इज डिमांडिंग 5 यूनिट्स. ऐसे ही इसकी डिमांड को भी ले लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 5 = 9, 3 + 4 = 7. तो ये हमारी क्या हो जाएगी? मार्केट डिमांड. तो डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं? टेबल को बोलते हैं. तो डिमांड शेड्यूल को जो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इट इज नोन एज डिमांड कर्व. जब हम टेबल्स के ग्राफ बना देंगे तो हमारा डिमांड कर्व बन जाता है. ये भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व. इसमें मैंने इसी टेबल को ग्राफ में बना दिया है. तो ये हमारा क्या बन गया? इंडिविजुअल डिमांड कर्व. देखिए, मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया? क्वांटिटी, 4, 3, 2, 1, ये लिया हुआ है, 1, 2, 3, 4. और प्राइस कितना लिया हुआ है? 1, 2, 3, 4. देखिए, जब प्राइसेस मेरे 1 है तो डिमांड कितनी है पर्सन की? 4. 2 होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है, 3 होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है, 4 होने से. तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड कर्व के केस में भी सेम, मैंने इसी टेबल के डायग्राम्स को प्लॉट किया है. एक्स एक्सिस पे डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है. तो यही एक इंडिविजुअल ए की है, 1, 2, 3, 4 प्राइसेस दिए हुए हैं, डिमांड कितना है? 4, 3, 2, 1. तो ऐसे ही हमने 4, 3, 2, 1, 1 से दिखा दिया, 1, 2, 3, 4 बना के. तो इसमें देखना 1 का क्या है? 4. यदि डिमांड प्राइसेस 1 है तो डिमांड कितनी है? 4. ऐसे ही हमने इसका 2 पे 3,
थ्री पे टू और फोर पे वन, तो ये हमारा बन गया डिमांड ऑफ ए पीपल की बना दी हमने। ऐसे ही हमने बी पीपल की बनानी है। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे सेम डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया हुआ है। इसमें हमने वन और फाइव का लेना है। देखिए वन है प्राइसेस, डिमांड फाइव है। टू हुए प्राइसेस इंक्रीज, हुए डिमांड डिक्रीज, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है यदि प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज होती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स मैंने आपको बताई थी जो अजम्पशंस है वो हमारी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, फोर प्लस फाइव को नाइन पे, तो और ये नाइन हो जाएगा सेवन, फाइव और थ्री। अब हमने यहाँ पे क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे डिमांड बनानी है और वाई एक्सिस पे प्राइस। अब हमारा वन का कॉम्बिनेशन किससे होगा, नाइन से, टू का सेवन से, थ्री का फाइव से, फोर का थ्री से। तो इस तरीके से ये हमारी बन गई ए प्लस बी की डिमांड, इसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड, ये हमारी बी की है। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। यस, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। देखिए मैंने अभी आपको बताया डिमांड कर्व का स्लोप कैसे होता है, नेगेटिव होता है, इट्स स्लोप इज डाउनवर्ड्स। एक्स एक्सिस पे डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस। अब ये स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होता है, देखिए डाउनवर्ड्स मीन्स जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं डिमांड इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज द डाउनवर्ड, नेगेटिव भी बोलते हैं इसको। देयर आर सेवरल रीजंस। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स जैसे जैसे आप एक मोर यूनिट को कंज्यूम करोगे, मोर एंड मोर यूनिट्स यू विल बी कंज्यूम, देयर विल बी चेंज इन द टोटल यूनिट्स। और डिमिनिशिंग मीन्स कम होना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे है, जैसे जैसे कंज्यूमर किसी यूनिट्स की कमोडिटी को इंक्रीज करता है तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चपाती, पहली चपाती खाते हो आपको यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, दूसरी से आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तीसरी चपाती खाने से आपको बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, फोर्थ खाने से आपको जो है आपका माइंड जो है फोर्थ के लिए तैयार नहीं होता एंड स्टार्ट वोमिटिंग। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप किसी यूनिट्स की कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती रहती है। अब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कब होगी, आप यूटिलिटी आपके लिए कब कम होगी, यदि हम लॉ ऑफ डिमांड कर्व पे अप्लाई करते हैं, यदि किसी कमोडिटी के प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन आप कब तक डिमांड इंक्रीज करोगे, जब तक प्राइस जो है मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल नहीं हो जाते, जब तक आप उस चीज को खरीदोगे जब तक उसकी यूटिलिटी आपके लिए है। तो जैसे आप यूनिट्स हैं, ये मैंने मार्जिनल यूटिलिटी लिया हुआ है, ये प्राइस लिया हुआ है, यूनिट वन पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी 50 है, प्राइस 20 है। तो इस तरीके से जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग और प्राइस जो है कॉन्स्टेंट है। तो आप कितनी यूनिट्स खरीदोगे, चार, क्योंकि चार यूनिट्स पे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। यदि आप फिफ्थ खरीदोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी। तो हम जैसे जैसे प्राइसेस कम होते हैं डिमांड इंक्रीज होती है, लेकिन यूटिलिटी आपकी कब होगी, जहां पे आप कहां पे स्टॉप करोगे खरीदना, जहां पर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। दीज आर द पॉइंट शोज कि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड्स। टॉपिक इज एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब कहां कहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया है प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और एक्सेप्शंस क्या है, इफ प्राइसेस डिक्रीज डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज एंड वाइस वर्सा मीन्स इसके ऑपोजिट, यदि प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स को क्या बोलते हैं हम, लग्जरी गुड्स, और या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, दिखावे की वस्तुएं। तो जहां पे हमारे जो दिखावे की वस्तुएं होती हैं वहां पे यदि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, लाइक कॉस्टली वॉचेस या कारपेट्स, या आपने कोई आर्टिस्ट ने कोई महंगी आर्ट बनाई है, या कोई भी जो कॉस्टली चीजें होती हैं, आप कब खरीदना उसको पसंद करते हो, जब उसके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। तो इट शोज दैट इफ प्राइसेस इंक्रीज डिमांड विल बी इंक्रीज।
सेकेंड पॉइंट इग्नोरेंस। कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमें सस्ती मिल रही होती है तो हम कहते हैं कि नहीं ये सस्ती है तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। हम इग्नोरेंस के कारण भी जो है प्राइसेस कम होने से डिमांड कम करते हैं, और कई बार प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो हम चाहते हैं कि प्राइसेस ज्यादा हो तो डिमांड ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट गिफ्टेन गुड्स। गिफ्टेन गुड्स क्या होती है, घटिया वस्तुएं जो हम जैसे सपोज कर लो बाजरा और गेहूं वीट। यदि देखिए बाजरे की जो है प्राइसेस कम हो जाते हैं, बाजरे के प्राइसेस कम होने से क्या होगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गिफ्टेन गुड्स है, बाजरे के प्राइसेस कम होंगे तो कंज्यूमर की रियल इनकम विल बी इंक्रीज, उसके पास पैसे ज्यादा बच जाएंगे तो वो जो है ही विल स्टार्ट टू बाय वीट और बाजरे की डिमांड कम हो जाएगी। तो गिफ्टेन गुड्स किसको बोलते हैं, घटिया वस्तु जिसकी जिसके कारण हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है और गिफ्टेन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। कई बार हमें लगता है कि फ्यूचर में इस चीज के प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगे तो हम उसकी डिमांड ज्यादा कर लेते हैं, हम अभी से ही उसको स्टोर करना शुरू करते हैं। और यदि लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने हैं तो हम उसको खरीदते नहीं, बेशक उसके प्राइसेस कम ही क्यों ना हो। तो इसके कारण जो है हमारे प्राइसेस कम होने से डिमांड कम हो जाती है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, और इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो देखिए इसमें दो पॉइंट है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, और चेंज इन डिमांड को हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें दो तरह का होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड कब बढ़ेगी जब प्राइसेस कम होंगे, और इसका इफेक्ट क्या होता है सिर्फ देयर इज ओनली चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सारी चीजें जो है सेम है, सिर्फ प्राइसेस के कारण डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। यदि प्राइसेस कम होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है इट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यदि प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ही डिमांड कर्व पे होती है, इन द सेम डिमांड कर्व, जैसे मैंने आपको डायग्राम में शो किया हुआ है एक्स एक्सिस पे डिमांड है वाई एक्सिस पे प्राइस है, यह हमारी जो है इनिशियल ये प्राइसेस है 5 और डिमांड इज 1। अब देखिए प्राइसेस इसमें क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं 1, और डिमांड क्या हो रही है 1 से 5 हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड 1 to 5। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे नाम से ही पता है यदि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो देखिए उसमें हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्शन है जो एरो है ये आपको शो कर रहा है कि डिमांड इज कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ये क्या है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, देयर इज चेंज ओनली एंड ओनली ऑन द चेंज इन प्राइस। और ये चेंज इन डिमांड, इसको हम चेंज इन डिमांड को क्या बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इसमें प्राइसेस तो सेम रहते हैं लेकिन डिमांड में जो चेंज आता है वो टेस्ट के कारण आता है या प्रेफरेंसेस के कारण आता है या इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो जाती है, किसी और फैक्टर की वजह से यदि डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलेंगे चेंज इन डिमांड। अब जैसे इंक्रीज इन डिमांड के केस में प्राइसेस तो हमारे सेम है लेकिन डिमांड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड के कारण प्राइसेस सेम है और डिमांड डिक्रीज हो रही है, ये डिमांड क्यों डिक्रीज हुई अदर फैक्टर्स की वजह से, जैसे हमारा कोई चीज हमारे टेस्ट के लिए है प्रेफरेंसेस है, कोई चीज हमारी यदि इनकम बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ने से भी हम क्या करते हैं डिमांड को कम ज्यादा करते हैं। तो ऐसे इसको ही हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड लिया वाई एक्सिस पे प्राइसेस लिए हुए हैं। तो देखिए हमारा तो हमने क्या क्या हुआ, यदि हमारे जो है प्राइसेस 1 है तो डिमांड कितनी है हमारी, प्राइसेस 3 है इसमें डिमांड भी 3 है, प्राइसेस जो है वो सेम रहने से डिमांड जो है इंक्रीज हो गया। तो हमारे इस केस में देखिए 1 के साथ 3, 2 के साथ 2, 3 के साथ 1, ये हमने बनाए हुए हैं, तो ये हमारा आ गया दिस इज द डिमांड कर्व।
अभी अब यदि हमारे प्राइसेस जो है तीन ही हैं, प्राइसेस तीन होने से हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, फोर हो जाती है, तो हमारा जो है डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड के केस में सेम होगा, वन के साथ फाइव, टू के साथ फोर, थ्री के साथ थ्री, फोर के साथ टू, फाइव के साथ वन, सेम आपने प्लॉट कर लेने हैं। प्लॉट करने के बाद जो है प्राइसेस जो है हमारे थ्री हैं और डिमांड हमारी कितनी होगी, टू, तो ये हमारा डिमांड कर्व जो है ये इधर को शिफ्ट कर गया लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। कई बार एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस बताओ, तो आपने बता देना है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइसेस, और इसमें बताना है ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, और इसमें सेम डिमांड कर्व पे होता है ये क्या होता है, डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में और एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में भी आ जाता है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।